दोस्तों, आज के वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूँ बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हो। बैंक ऑफ इंडिया का शॉर्ट फॉर्म आप यहाँ पर देख सकते हो, BOI। और गाइस, इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आप यहाँ पर ब्लैक पेन ही यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो प्लीज़ फिल इन ब्लैक इंक। आप केवल इस फॉर्म को ब्लैक पेन से ही फिलअप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या क्या इम्पॉर्टेंट है इस फॉर्म में भरने के लिए, वही चीज़ आपको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ हिंदी में। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो डेट। आप ये फॉर्म जब आप जमा करोगे अपने ब्रांच में, बैंक में आके, उस दिन का यहाँ पर आपको सिंपली डेट फिलअप करना होगा। और यहाँ पर ब्रांच, आपका जो ब्रांच है यहाँ पर सिंपली लिख देना है। उसके बाद इस फॉर्म को आप ये जब अकाउंट ओपन करोगे, इस अकाउंट में मिनिमम आपको 1000 रुपये रखना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर आपको सिंपली 1000 रुपये लिख देना है और इसको सिंपली इन वर्ड में लिख देना है, मतलब शब्दों में लिख देना है। उसके बाद आप किस टाइप से अकाउंट आप ओपन कराना चाहते हो, सेविंग, करेंट, तो आपको सिंपली सेविंग कराना है तो उस पर आपको सिंपली टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपली फर्स्ट नेम, मिडल नेम, सर नेम सिंपली फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपली अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर देना है और यहाँ पर आपको सिंपली पेन कार्ड नंबर यहाँ पर आपको सिंपली फिलअप कर देना है। अगर फ्रेंड्स आपके पास पेन कार्ड नहीं है तो आपको 60 और 61 का जो फॉर्म है वो आपको फिलअप करना होगा इस फॉर्म में, ये मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। उसके बाद ऑक्यूपेशन, मतलब आपका व्यवसाय क्या है। अगर आप स्टूडेंट तो यहाँ पर आपको सिंपली स्टूडेंट लिख देना है। अगर आप कोई गवर्नमेंट का जॉब करते हैं या कुछ भी, अगर आप मजदूर हो तो यहाँ पर आपको सिंपली फिलअप कर देना है। उसके बाद रिलेशन विद फर्स्ट, आपके या मैरिड हो या आप सिंगल हो, जो भी हो, अगर आप नई शादी की हो तो आपको सिंपली यहाँ पर नो लिख देना है। और यहाँ पर नेशनल, आप इंडिया के रहने वाले हो तो आपको सिंपली यहाँ पर इंडिया लिख देना है। उसके बाद फादर का नाम एंड मदर नेम यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपली जनरल फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या क्या ज़रूरत है, मतलब आपको क्या क्या चाहिए। पासबुक चाहिए तो आपको सिंपली वहाँ पर टिक कर देना है। चेकबुक चाहिए तो वहाँ पर आपको सिंपली टिक कर देना है। ईमेल आईडी के थ्रू आपको अगर मैसेज चाहिए तो आपको सिंपली उस पर टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर डेबिट कार्ड, मतलब ATM कार्ड आपको ज़रूरत है तो आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड तो आपको सिंपली इस पर भी क्लिक कर देना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ है तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको इस फॉर्म को, फॉर्म नंबर आपको सिंपली 4 निकाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस परमानेंट यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। आपका जो भी है फ्लैट नंबर आपको सिंपली फिलअप कर देना है। स्टेट, एरिया, लोकेशन जो भी है आपको, यहाँ पर सिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, कंट्री और पिन कोड, टेलीफोन नंबर सही से आपको फिलअप कर देना है, क्योंकि आपके मोबाइल नंबर पर ही सारे सब कुछ होने वाला है ऑनलाइन। यहाँ पर आपको सिंपली ईमेल आईडी सही से आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद गैस यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपली ये फॉर्म पर आ जाना है, फॉर्म नंबर 6। फॉर्म नंबर 6 में आपको यहाँ पर अगर आप कोई बैंक से लोन भी लिए हो या इससे कोई ऐसा मतलब है, तो आपको अगर आप नहीं लिए हो तो आपको सिंपली फर्स्ट वाला जो लाइन दिया गया है उस लाइन पर आपको टिक कर देना है। बस टिक करने के बाद ये फॉर्म केवल उन लोग के लिए है जो बैंक से लोन भी लिया है, तो उन लोग के लिए फॉर्म फिलअप करना है। तो आपको ये कुछ नहीं करना है फॉर्म को। उसके बाद फॉर्म नंबर आपको 8 निकाल देना है। यहाँ पर जिसका बैंक अकाउंट खुलने वाला है उसका यहाँ पर आपको सिंपली सिग्नेचर दे देना है। उसके बाद ये फॉर्म को कुछ नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास पेन कार्ड अवेलेबल नहीं है तो ये फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ता है। ये 60 और 61 फॉर्म है तो ये आपको फिलअप कर देना है। तो सारी डिटेल यहाँ फिलअप कर देना है। मेरे पास अवेलेबल है पेन कार्ड, इसलिए मैं ये वाला फिलअप नहीं करने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पर नॉमनी, आप किसको नॉमनी बनाना चाहते हो। जैसे आपको बाई चांस कुछ हो जाता है लाइफ में, आई थिंक अभी होना नहीं चाहिए, बट अगर आपको होता है तो उनका आप किसको नॉमनी बनाना चाहते हो। अगर आप उनको नॉमनी बनाते हो तो आपका जो भी बैंक का सारे पैसे हैं वो नॉमनी जिसको आप बनाओगे उनको अवेलेबल हो जाएगा, अगर वो आराम से ले सकते हैं तो। उनका आपको सिंपली यहाँ पर नाम दे देना है और यहाँ पर आपको उनका अकाउंट नंबर सेविंग तो फिलहाल यहाँ पर लिख देना है। उनका नाम और कहाँ के रहने वाले, एड्रेस और क्या रिलेशनशिप है आपका, तो फिलहाल वो लिख देना है। उनका एज लिख देना है और यहाँ पर प्लेस।
और गाइस इस फॉर्म में और कुछ भी नहीं है, तो इतने आसान तरीके से इस फॉर्म को आप भर सकते हो। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिए, अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना फ्रेंड, अगर फ्रेंड्स आपके मन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो, आप कमेंट कर सवाल जरूर देने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना फ्रेंड, जय हिंद जय भारत।